हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पर्पल शॉपिंग हॉल। जी हाँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम पर्पल से शॉपिंग की थी तो अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो दोबारा से मैंने पर्पल से कुछ सामान परचेज किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने प्रोडक्ट परचेज किया है, ये है NYB का प्राइमर। ये फेस प्राइमर है। तो यस, प्राइमर मेरे पास नहीं था, तो ये NYB का मैंने प्राइमर लिया है। एक मेरे पास हुडा ब्यूटी का भी प्राइमर है, तो ये मैंने एक और परचेज किया है। इसके बाद सेकंड मैंने यहां पर लिया। चलिए मैं NYB के ही प्रोडक्ट दिखा देती हूँ आपको पहले। नेक्स्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है, ये है NYB का कंटोर पैलेट है ये, और कंसीलर, कंटोर, कलर करेक्टर पैलेट है ये। तीनों चीजें इसमें एक साथ दी गई है। तो मेरा जो शेड नंबर है वो 15 है। मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। तो काफी क्यूट सी पैकेजिंग में आया था ये भी, ये देखिए। मिनट, मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ओ यस, ये आप देख सकते हो इस तरीके की क्यूट सी पैकेजिंग में आया था ये। तो इसमें आपको ये कंसीलर मिल जाता है, कंटोरिंग के लिए मिल जाता है शेड, और ये आपको जैसे आपके फेस पर कोई भी डार्क स्पॉट वगैरह होते हैं ना, और रेडनेस होती है काफी लोगों के फेस पर, उसे ये अच्छे से हाइड कर देता है। तो उसमें ये ग्रीन कलर का जो करेक्टर आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से वर्क करता है। आगे की वीडियोस में भी आप देखेंगे कि मैं इन प्रोडक्ट्स की हेल्प से बहुत अच्छे अच्छे मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस कंटोर पैलेट की खूबी ये भी है कि ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, ट्रेवल फ्रेंडली है, बहुत ही प्यारी सी मिनी पैकेजिंग आप इसे बोल सकते हो। और इसके साथ आपको एक ब्रश दिया जाता है, ये देखिए क्यूट सा ब्रश दिया गया है। ये देखिए, ये मुझे ब्रश बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। ऐवी नहीं है कि जैसे कुछ आपने आई शेडो पैलेट देखे होंगे, इसमें बहुत ही बकवास से आपको एप्लीकेटर दिए जाते हैं स्पॉन्ज वाले, जो ज्यादा काम के नहीं होते हैं हमारे, लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। इसके ब्रिसल्स काफी सॉफ्ट हैं और काफी इजिली आप इसे लगा सकते हो। ब्लेंडिंग में भी काफी अच्छे से काम आएगा ये, तो काफी अच्छा है ये भी। तो इस तरीके से है, ये देखिए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंटेनर में है, लॉक हो जाता है, इजिली आप इसे अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट परचेज किया, ये है NYB की फाउंडेशन, कंसीलर, कंटूर, कलर करेक्टर स्टिक है। ये तीनों ही तरीके से ही काम करती है, मैं दिखा देती हूँ आपको ओपन करके। तो सारी ही प्रोडक्ट की पैकेजिंग काफी अच्छी लगी है मुझे। ये देखिए, ये भी NYB की ही है। तो इस तरीके का शेड है ये कंटूरिंग का। इसमें मुझे थोड़ा सा ये ठीक नहीं लगी, वो भी इसलिए क्योंकि यार कंटूरिंग तो वैसे अच्छी करती है, बट पता नहीं क्यों मेरे शेड से मैच नहीं होती है। मतलब मुझे ये मैंने जो ऑर्डर की थी वो बहुत ही डार्क शेड दिखा रहा था, डार्क चॉकलेट शेड होता है जो। पिक्चर में तो कुछ और शेड नजर आ रहा था, लेकिन अब क्या है, अब ले लिया तो कंटूरिंग तो करनी है। तो वैसे ही फाउंडेशन के लिए भी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। तो ये फाउंडेशन स्टिक ली है मैंने, एक कंटूरिंग स्टिक भी कह सकते हैं, फाउंडेशन स्टिक भी कह सकते हो आप इसे। नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट परचेज किया है, ये है मेकअप फिक्सर। ये NYB का ही मेकअप फिक्सर है, और ओपन करने के बाद ही कुछ इस तरह की प्लास्टिक बॉटल में आता है। आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट बॉटल है ये, प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये पंप स्टाइल बॉटल में आता है, काफी पॉकेट फ्रेंडली है, ट्रेवल फ्रेंडली है, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है, लॉक हो जाता है इजिली। तो यस, ये मैंने एक प्रोडक्ट परचेज किया है। नेक्स्ट जो मैंने परचेज की है, ये है NYB का द बिग एप्पल ऑफ माई आई कोहल काजल है ये, और वाटर रेजिस्टेंट है, स्मच प्रूफ है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है। तो यस, मैंने एक ये परचेज किया है, काफी अच्छा है ये गाइस। बाय द वे, मैंने इस वक्त जो अपनी आईज पर लगाया हुआ है, ये मैंने यही वाली काजल पेंसिल लगाई हुई है, सॉरी काजल पेन बोल सकते हो आप इसको। इस तरीके से ओपन हो जाता है, और ये ना थोड़ा सा लगाते टाइम ना टूट गया था, तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। वैसे ये काफी जेट ब्लैक है, स्मच प्रूफ है, तो इस तरीके से ये ओपन होता है, आप देख सकते हो। दिखा देती हूँ उसका एक हैंड स्वॉच आपको, देखिए। तो ये भी काफी अच्छा है और मुझे पसंद आया है। तो ये तो थे फ्रेंड्स NYB के प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट जो मैंने परचेज किए हैं, ये है बेला वोस्टे के प्रोडक्ट। आप देख सकते हो, ये है बेला वोस्टे का फाउंडेशन, हाई डेफिनेशन फाउंडेशन है। टोटल आपको इसमें 30 ml की क्वांटिटी मिलती है, और ब्लैक कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। आप देख सकते हो, ये मेरी थोड़ी सी लिपस्टिक इस पर लग गई थी, तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आता है। ओपन कर दिखा देती हूँ। ओपन करने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मिलता है, ब्लैक और सिल्वर कलर की पैकेजिंग में आता है, सिल्वर कलर की इसकी लीड है। तो पैकेजिंग मुझे इसकी काफी अच्छी लगी है, काफी क्यूट है, इजिली आप इसे अपने पर्स में कैरी कर सकते हो। तो काफी ट्रेवल फ्रेंडली है और पॉकेट फ्रेंडली भी है। नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट परचेज किया दोस्तों, वो है बेला वोस्टे का ही ये मस्कारा है, आप देख सकते हो मेरे हाथ में। तो ये भी कुछ इस तरह की ही ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आता है, देखिए।
सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई गई हैं। और ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके का है मस्कारा, मुझे काफी अच्छा लगा है। अभी तक मैंने इसे अप्लाई नहीं किया है, ट्राई करने के बाद ही मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ इस तरीके का इसका एप्लीकेटर है, आप देख सकते हो। और नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट परचेज किया है दोस्तों, ये है बेला वोस्टे का मैट लिप क्रियोन है। ये भी बेला वोस्टे का ही है, शेड बहुत ही प्यारा है। मेरा जो शेड नंबर है ये है 10। बाय द वे इस वक्त मैंने जो अप्लाई किया हुआ है ये यही सेम शेड है, तो ये इस तरीके का है। मैं इसका हैंड वॉश दिखा देती हूँ, काफी मैट है ये और आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है ये, तो मुझे ये शेड भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट परचेज की है ये है आई एम स्टर्डम की लिप क्रियोन। देखिए कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती है ये, मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। तो ओपन करने के बाद ही कुछ इस तरह की पैकेजिंग में है, आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट इसकी लीड है। इसका एक हैंड वॉश दिखा देती हूँ। वैसे आप सोचेंगे कि दोनों शेड आई थिंक सेम ही है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है ये लाइट में है और ये थोड़ा डार्क में है। ये थोड़ा पर्पल टोन में आती है और ये थोड़ी मजेंटा शेड में है। नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट परचेज किया है ये है ममा अर्थ का स्किन रिपेयर बॉडी लोशन। तो इसकी भी मैंने काफी तारीफें सुनी थी दोस्तों, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया है मॉइस्चराइजर। इसे मैंने अप्लाई कर देखा है, एक ही बार में अप्लाई करने पर मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। काफी देर तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज लगता है, खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसमें है मैंगो एंड कोकम बटर है, सभी इसमें चीजें मेंशन की हुई है आप देख सकते हो। और गाइज इसकी जो प्राइस है ये है 299 रुपीज का, और इसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाता है 250 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है आपको इसमें। तो सभी प्रोडक्ट्स की लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही कुछ प्रोडक्ट थे जो मैंने परचेज किए हैं, और इनकी हेल्प से आने वाले टाइम में आप मेरे चैनल पर बहुत से मेकअप ट्यूटोरियल्स भी देखेंगे। सो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का पर्पल शॉपिंग हॉल, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। Back.